हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि ब्रदर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा है, वो उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आती है। वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, जो इस बाइबल के अनुसार चलता है, वो मांस क्यों खाता है। आपका परमेश्वर तो मांस खाने की आज्ञा देता है, इसलिए हम उसको इनकार कर देते हैं, वो सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि यदि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर होता तो वो कभी मांस खाने की आज्ञा नहीं देता। तो दोस्तों आज हम इसी पर आधारित वीडियो बनाने वाले हैं कि क्या मांस खाना, मीट, मांस, मछली, अंडा, जो कुछ भी है जो कि हम खाते रहते हैं हमेशा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में एक या दो दिन नहीं खाते होंगे, लेकिन हफ्ते में चार या पांच दिन लगातार मीट मांस खाते हैं। और वही भाई बहन कमेंट करते हैं कि ब्रदर यीशु मसीह तो मांस खाने की आज्ञा देता है, मांस खाने को कहता है, इसलिए वो सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं, इसको सुनना चाहते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीने लगते हैं, तो आपको मांस खाना ही पड़ेगा। क्या जो सभी लोग चर्च में आते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, सभी लोग मांस ही खाते हैं, कोई साग सब्जी नहीं खाता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांस खाते हैं। जिसको इच्छा है वो खाता है, जिसको इच्छा नहीं है वो नहीं खाता है। जिसका जैसा विश्वास होता है वो वैसा करता है। देखिए, मांस खाना एक अलग पैटर्न है और परमेश्वर पर विश्वास करना एक अलग पैटर्न है। आज के समय में यदि देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो ऐसा दावा करते हैं कि मैं मांस नहीं खाता। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहानियाँ हैं, लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप दवा नहीं खाते हैं? क्या आप बीमार नहीं पड़ते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता होगा, दवाई देता होगा, करता है ना। लेकिन आपको नहीं पता है कि जो दवा आपके अंदर जा रहा है वो दवा भी तो उसी पशु पक्षी और जानवरों को मारकर बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी भी दवा है जिनमें एल्कोहल यानी शराब का भी मात्रा मिला होता है। आज के समय में आप देखते होंगे कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। किसी को शुगर है तो किसी को ब्लड प्रेशर है, नाना प्रकार की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो दवाइयों का सेवन ना करता हो। आपके घर में जब चूहे, मच्छर, कॉकरोच, सांप घुस आते हैं तो क्या आप उन्हें नहीं मारते हैं? क्या आप उनको अपने घर में दावत के लिए बुलाते हैं? नहीं नहीं नहीं। देखिए दोस्तों, अब मेरा किसी का यहाँ पर अपमान करने का मतलब नहीं है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, यदि आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का दिक्कत है, परेशानी है, तो इस वीडियो को आप यहीं स्किप कर दें, छोड़ दें, मत देखें। लेकिन मैं उन सारे मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूँ जो अभी हिचकिचा रहे हैं, उनका विश्वास पूरी तरीके से जम नहीं पा रहा है मांस खाने को लेकर, उनके लिए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, उनको मैं ये सारी बातें बताना चाहता हूँ। हालांकि इसके पहले मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि एक मनुष्य को यदि इस दुनिया में रहना है, जीना है, तो उसको जाने अनजाने में हत्याएं करनी पड़ती हैं। आप जानते होंगे कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पैरों के नीचे पता नहीं कितने जानवर, कितनी चींटियां दबकर मर जाते हैं। तो क्या आप उनके लिए भी कहेंगे कि मैं अब तो अपने घर से निकलूंगा ही नहीं? नहीं 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 दोस्तों, ये गलत बात है।
देखिए इंसान रोज गलतियां करता है, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती, लेकिन वो इंसान कभी मानता नहीं है। हम सभी पापी हैं, एक भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जो पाप न करता। लेकिन हम जब अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, तब न हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन भैया हम तो जो कर रहे हैं वही सही है, जो हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं वही सही है, चाहे भले ही वो गलत हो। हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम गलती करेंगे लेकिन उस गलती को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा हमारे बहुत सारे भाई बहन अपने आप में कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में केवल एक ही परमेश्वर है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वो हमेशा सच्चा न्याय करता है, वो किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करता है। परमेश्वर ने इंसानों के अंदर आत्मा दिया है, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं दिया है। जानवरों को मार दिए, वहीं पर उनका अस्तित्व खत्म। देखिए एक सच्चे मसीह का उद्देश्य परमेश्वर होना चाहिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोग बुरे काम करना छोड़े, पाप से दूर भागे, जो हमारा प्रभु सिखाता है और कहता है तुम झूठी भावनाओं में क्यों फंसे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारी जो भी जरूरत है उन सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, जब वो परमेश्वर का सुसमाचार लोगों में बांटने निकलता है, तो जब भी वो किसी के घर पहुंचता है तो पता नहीं उसके घर साग पात मिलेगा या मीट मछली अंडा मिलेगा। अब खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यदि हमको मीट मांस मिल रहा है खाने को तो हम मीट मांस भी खाएंगे, यदि हमको साग पात मिलेगा तो हम साग पात ही खाएंगे। लेकिन मेरे भाई परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है ना। खाना और पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब हम मरकुस अध्याय 7:19 में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? कहते हैं क्या तुम भी ऐसे ना समझो, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और शौच में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया है। तो मेरे प्रियो, खाना और पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम जो भी खाते हैं वो क्या होता है? हमारे संडास के रास्ते यानी कि हमारे पैखाने के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जो हमारे मन में है, चोरी, दुष्टता, लालच, नफरत, वो इंसान कभी निकालना नहीं चाहता है। मीट मांस खाने के ऊपर लेकर सवाल उठाता है कि मैं यदि खाऊंगा तो अशुद्ध हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप अपने मन को जांचिए, अपने मन को शुद्ध करिए। प्रभु यीशु मसीह सबके मन को देखता है कि किसके मन में कैसा चल रहा है। मन से ही सारे काम होते हैं। यदि हमारा आत्मिक स्वभाव अच्छा रहेगा तो हमारा शारीरिक स्वभाव स्वयं अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। इस दुनिया के शुरुआत में जब आदम और हव्वा थे तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से क्या कहा था? आदम और हव्वा से कहा था कि तुमको साग और पात ही खाना है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1:29 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यहाँ क्या कहते हैं प्रभु कि जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं वो तुम्हारे भोजन के लिए हैं, यानी कि जो साग पात हैं, सब्जियां हैं, फल फूल हैं वो इंसान खा सकता है। लेकिन अभी परमेश्वर ने मांस खाने की आज्ञा नहीं दी है। लेकिन जब हम उत्पत्ति अध्याय 9:3-4 पढ़ते हैं तो यहाँ फिर परमेश्वर कहते हैं सब चलने वाले जंतु तुम्हारे आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे। क्या कहते हैं? जैसे उत्पत्ति अध्याय 1:29 में कहते हैं कि मैंने तुमको जो साग पात दिए हैं तुमको वही खाना पड़ेगा। लेकिन उत्पत्ति अध्याय 3:4 में कहते हैं कि जैसे मैंने तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण से बेहतर था लहू समेत तुम मत खाना। यहाँ एक कंडीशन है मेरे भाई, इंसान
किसी जानवर को तो मार के खा सकता है, लेकिन किसी मनुष्य का लहू नहीं बहा सकता। जब इसके आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ वचन में लिखा है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका भी लहू बहाया जाएगा। तो मेरे प्रियो, जैसे हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो, यदि कोई दुख में है, कोई कष्ट में है, तो उसके लिए तुम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहो, उसकी भलाई के लिए। यदि कोई इंसान किसी इंसान का लहू बहाता है तो परमेश्वर उसको कतई नहीं छोड़ेगा, लेकिन यदि कोई इंसान किसी जानवर की हत्या कर देता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, जो बाइबल का परमेश्वर है, किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं करता है कि आपको साग पात ही खाना है या किसी को मांस ही खाना है। जिसकी जो मर्जी हो भाई, वो खाए, क्योंकि उसके पेट में जा रहा है वो भोजन और वो संडास के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जिसके मन में कलछपट है, चोरी है, बेईमानी है, लालच है, नफरत है, वो उस इंसान को दूर करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।